टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह यानी कि भज्जी ने अपनी राज्यसभा की हाजिरी को लेकर उठ रहे सवालों पर अब जवाब दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में उनकी 60% से ज़्यादा हाजिरी है और इसी को लेकर अब जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें भज्जी ने रिप्लाई किया है और भज्जी ने पंजाब में उठाए गए कई मुद्दों को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बात रखी है। भज्जी ने दावा किया है कि वह पहले ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने मिलने वाले सारे MP लेड फंड DC के जरिए विकास कार्यों में लगा दिए हैं। खाली उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक कमी रह गई है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहेगुरु ने उन्हें औकात से ज़्यादा दिया है और इसलिए वह पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं समझते हैं, वह सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 रुपये का काम करने के बाद 10 रुपये का दिखावा करते हैं। भज्जी ने अपने काम को लेकर कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें सांसद बनाकर लोगों की सेवा का मौका बख्शा है और वह लगातार इसी तरीके से सेवा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी लोग मेरे पास पत्र लेकर आते हैं या लोग मेरे पास आकर के अपने कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं, मैं अपनी टीम से उसे वेरीफाई करवाता हूं, इसके बाद फंड को जारी करता हूं और DC को पत्र लिखता हूं कि इस काम पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। भज्जी ने आगे कहा कि क्रिकेट के चलते IPL के चलते उन्हें कई बार टूर्नामेंट के लिए वहां जाना पड़ता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना पड़ता है, लेकिन अगर पंजाब की कोई बात आती है तो मैं पंजाब के साथ हर समय खड़ा रहूंगा और खड़ा ही हूं। इसके अलावा भज्जी ने अपनी हाजिरी को लेकर कहा कि सदन में सिर्फ हाजिरी लगाने से कुछ नहीं होता है, लोगों के काम करने भी ज़रूरी होते हैं, फील्ड पर उतरना पड़ता है और मैं यही करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग उनके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वह लगातार इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे लेकिन पब्लिसिटी नहीं करेंगे। वहीं भज्जी ने कहा कि आप मेरे कामों की डिटेल लेना चाहते हैं तो DC के दफ्तर में जा सकते हैं, मैंने हमेशा लगातार लोगों की सेवा की है, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ जो 1 रुपये का काम करने के बाद 10 रुपये का दिखावा करते हैं, लेकिन मेरे काम से लोग खुश हैं और मुझे इसी बात की ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही हरभजन ने कहा कि मैं जलंधर, पंजाब और देशवासियों के लिए यही कहूँगा कि सभी मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी से रहें और इसी तरीके से मदद करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाकर पब्लिसिटी की जाए ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। बहरहाल लगातार हरभजन सिंह की हाजिरी पर सवाल उठ रहे थे। IPL में हरभजन सिंह कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि जब हरभजन सिंह IPL में कमेंट्री करते हैं तब वह राज्यसभा कब जाते हैं, लेकिन अब इन्हीं बात पर हरभजन सिंह ने जवाब दिया है और उन्होंने लोगों को आड़े हाथों लिया है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।